हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की सोच में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग कैमरे होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें। प्लीज एंड स्पीड गाइड के लिए गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपके पर्सन बहुत स्लो अप्रोच ले रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कोई आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत स्लो है, इतने स्लो कि आपको नजर भी नहीं आ रहे, ठीक है। इस पर्सन को पता है चीज़ें इसके हाथ से निकल चुकी हैं, अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको स्टक करके रखा, बहुत ज़्यादा खुद को ये शो करवाया ये बंधा हुआ है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा मेंटली स्टकनेस से। इसके साथ कौन से मसाइल हैं आपको ये बात अब तक समझ में नहीं आई, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है बहुत स्लोली। जब ये साइकिल ख़त्म हो चुका है, एक वर्ल्ड आप लोग के बीच, एक सर्कल एंड हो चुका है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस में मिस कर रहा है, याद कर रहा है किसी, यहाँ पर इस पर्सन ने किसी ऐसी बात पे आर्ग्यूमेंट करी है जो शायद अगर ये आपके साथ क्लियर करना चाहता तो कर लेता। मतलब कि यहाँ पर इसने ईगो की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़राब करा है जो बहुत ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी भी नहीं थी, ऐसी चीज़ों पे कि मेचोरिटी पे आप लोग की, आप मतलब कि आपने तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया वो किया, आगे से इस पर्सन ने भी उस चीज़ को, आपके उस नाराज़गी को सीरियस नहीं लिया या आपके उस एक्शन को सीरियस नहीं लिया, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि एक नॉर्मल है, आप वापस आ जाएंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि आप इसको टेक्स्ट करें, आप इसको मैसेज करें, ठीक है। ये पर्सन आपसे कोई उम्मीद कर रहा है, आप इसको मैसेज करेंगे, आप इसको टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। खुद को यहाँ पर इसको समझ में नहीं आ रहा खुद क्या करे, और इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने सोचा भी नहीं था ये आपको मैनिफेस्ट करेगा या आपको फील करेगा या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है, जब इसने आपको छोड़ा था तो इसके दिमाग पे ये नहीं था कि ये आपके लिए कोई लविंग एनर्जी, इसको ये लविंग एनर्जी में आएगा, ये इस एनर्जी में कभी ऑपरेट भी करेगा, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए? फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, हाँ, लविंग एनर्जी में इसकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, लविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हुआ हुआ है, आपके लिए लव बेहद फील कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये उस लास्ट फाइट को याद कर रहा है जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक एंडिंग आई, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। उस फाइट को याद कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये आपके साथ कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। मतलब कि ये कोई रिस्क लेना चाहता है आपकी तरफ आने के बाद, और सब कुछ बता, आपसे बात करना चाहता है। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ चाह रहा है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, यहाँ पर ओपन अप होके, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं खुद को स्टक समझ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोच रहा है ये स्टक है, अभी भी कहीं ना कहीं खुद को स्टक समझ रहा है। फीलिंग मतलब कि यहाँ पर आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, बातें क्लियर नहीं हुई हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, चीज़ें सेंटर में ही हैं, कुछ भी यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे कुछ ना कुछ है यहाँ पर कंप्लीट होना जिसको ज़रूरी है, यहाँ पर कंप्लीशन नहीं है, यहाँ पर आपके पास कंप्लीशन नहीं है, इस सिचुएशन में कंप्लीशन नहीं देख पा रही, ठीक है। कहाँ स्ट्रक आपके पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की स्ट्रकनेस कहाँ चल रही है, आपके पर्सन खुद को स्ट्रक कहाँ फील कर रहे हैं। आप यहाँ पर डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, इमोशनल आप, इमोशनली आप इससे डिस्टेंस हो चुके हैं, इमोशनली आप दूर जा चुके हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है। जब ये इतना लव फील कर रहा है तो ये कहाँ खुद को स्ट्रक मानता है, क्यों आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ये पर्सन कहाँ स्ट्रक है अपनी लाइफ में। परसेप्शन, ये इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी सोच समझ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी,
आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, इसमें आप जैसा पर्सन या आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में लाएगा या आपके लिए इतना एक इन डेप्थ लव फील करेगा, इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बोली थी, ठीक है। इनर जर्नी, ये पर्सन कुछ एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे, एक एक्सेप्टेंस लाने की एक उसमें, क्योंकि आपको लव कर रहा है या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके आपके जाने से इसकी लाइफ एक तनहा हो चुकी है। ये बात इस चीज़ को जैसे अंदर से खल रही है, इनर जर्नी पे है, इसको ये बात समझ में आ रही है। आप इसी का, आप कितने ही डिफरेंट हो सकते हैं, शायद इसने आपके जैसा कभी भी पार्टनर अपनी लाइफ में या तो मैनिफेस्ट नहीं किया था, या इसने कभी नहीं सोचा था कि आपके जैसा इंसान इसकी लाइफ का पार्टनर होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग, किसी एक इनर जर्नी पे ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, ठीक है। एंगर, इस पर्सन को एंगर इशू हो सकते हैं, इस एंगर इशू की वजह से या तो ईगोस्टिक वजह से, ईगोस्टिक होने की वजह से, शॉर्ट टेम्पर की वजह से आप लोग का कनेक्शन बेहद डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। डेथ, बिल्कुल यहाँ पर इस पर्सन के एंगर इशू होने की वजह से यहाँ पर इस सिचुएशन में एक डिस्टेंस मुझे आया हुआ नजर आ रहा है। ये जो डिस्टेंस आपके कनेक्शन में क्रिएट हुआ इसके एंगर इशू की वजह से हुआ, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, इस पर्सन को पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज इस कनेक्शन में आप नजर आ रही है, ठीक है। हीलिंग चल रही, हीलिंग ऑरेकल, ठीक है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है इनर जर्नी पे, बहुत ज़्यादा साइलेंट है अपने आप से, अपने आप एक अपने ही अंदर ये किसी जर्नी पे निकला हुआ है, ठीक है। फॉरगिवनेस, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फॉरगिवनेस, अगर इसको माफ़ी मांगनी चाहिए तो माफ़ी मांगेगा, अगर माफ़ करना चाहिए तो माफ़ करेगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इसके माइंड में है न्यू बिगनिंग करने के लिए। सेक्रेट स्पेस, हीलिंग चल रही है, इसको समझ में आ रहा है इसको अपने गुस्से पे काम करना पड़ेगा, इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को ख़राब कर रहा है। साइकिक डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इनडिसाइजिव रहा है ये, सेक्सुअल एनर्जी, इंटीग्रेशन, मतलब कि कुछ ना कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये एंगर इशू रहा है, बहुत ज़्यादा एक जैसे एक प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में जिस तरीके से ऑपरेट करता है पर्सन, डिवाइन टाइमिंग, आपके कनेक्शन में कोई डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। आपको सब क्लैरिटी मिलेगी, सब आपके सामने आएगा, लेकिन कोई डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आप जिस जिस तरीके से जितना जल्दी आप होप कर रहे हैं ना, ये कनेक्शन की चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, यहाँ पे चीज़ें सब सेटलमेंट पे आ जाए, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। इस वक्त आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, पर्सन ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल रिलीज, असल में ये कार्ड इमोशनल रिलीज का है, सेक्रेटरी स्पेस का नहीं है, ये उसका नाम है, ठीक है। इमोशनल रिलीज, कोई इमोशंस हैं इस पर्सन के, जो एक इमोशनल इस पर्सन की जो साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा एक इनर जर्नी पे, ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करता था, अपने ये इतना इमोशनली आपके साथ फील करता है, ये इमोशनली आपके साथ इतना कनेक्टेड है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था। आप अपने पार्टनर से क्या चाह रहे हैं, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आप इस पर्सन से आप चाहते क्या हैं, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बैलेंस लाइफ हो, ठीक है। आप लोग के बीच एक टेम्परेंस, एक हीलिंग आए, बैलेंस आए, आप इस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसे मुकाम पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टक सिचुएशन पे खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए। टेन ऑफ कप से यहाँ पर आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ कोई फैमिली, ठीक है, आप फैमिली बनाएं, आप चाहते हैं पर्सन एफर्ट करे, आपको जाने से रोके, आप जो यहाँ इस कनेक्शन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है, सिचुएशन के स्टक होने की वजह से जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर धरा हाथ पे हाथ रख कर मत बैठे, ये आपको जाने से रोके, एफर्ट करें आप इस कनेक्शन को बचाने के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो आप कर सकते थे वो आपने किया है, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। बहुत बेहद अट्रैक्शन है, ये पर्सन चाह रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव कनेक्शन एक स्टार्ट करना, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, ये बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ नाइन ऑफ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा डिफेंसिव भी हो रहा है, इस पर्सन को पता है ये आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन इन एंड आउट करता है, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये आपके साथ एक लंबा अरसा कभी भी नहीं चलता, ये इन एंड आउट करता है, ये पर्सन फन फ्लर्ट की एनर्जी में रहता है, ये पर्सन आपका ड्रीम जानता है तभी आपके साथ यहाँ पर
एक नाइन ऑफ फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में रहता है, ये पर्सन आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से जाएं, ये दो राय पे खड़ा हुआ है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर किस तरीके का एक्ट करे, आपको यहाँ पर या तो रोक ले या तो जाने दे या तो ये ऑफर प्रोवाइड करे। इसका पता है कि इसका मसला क्या है, इसको है आपसे लव, ये आपको चाहता है कुछ प्रोवाइड करना, बहुत अब बर्डन सा हो रहा है ये बात इसके लिए कहना, आपसे इस बात को डिस्कस करना, आपको ये ऑफर देना और अपना लव लव कन्फेस करना, इसके लिए बहुत बर्डन सम सिचुएशन है, ये खुद को एक जैसे किसी इसको किसी भारी किसी चीज़ के नीचे दबा दिया हो, ये आपको कमिटमेंट के लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन ये सब इसके लिए आपको बताना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए काफ़ी टाइम से ये दो राय में स्टक हुआ हुआ, ये कनेक्शन भी ये पर्सन भी ये आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है आप बेहद स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, प्लीज सेंड स्पीड गाइड, प्लीज गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेंगे, पर्सन फिलहाल तो अभी हार्ट ब्रोकन है, जितना अट्रैक्टिव हो रहा है दिल टूटा हुआ है बिखरा हुआ है, नहीं जाने देना चाहता, लेकिन जो इसके जो आपको कहना चाह रहा है वो भी नहीं कह पाता, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने बार बार आपको पास में रिजेक्ट किया है, आपको समझने से मना कर रहा है, ये पर्सन जैसे अब अपने इमोशंस को आपके लिए समझ पा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कितना आपके लिए इमोशनली फील करता है, कितना इसका आपके साथ कनेक्शन, जब अगर आपके साथ कनेक्शन बने तो आप लोग की एक जोड़ी एक पावर कपल कहलाएगी, मतलब कि पर्सन आपके साथ ये ड्रीम देख रहा है, इसने नहीं सोचा था कि आपके साथ ये कभी इतना ये सोचेगा कि आपका आपके साथ रिश्ता इतना अच्छा हो सकता है, आगे बढ़ाने के लिए पर्सन आपकी तरफ एफर्ट कर सकता है, सक्सेस नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वो उसी इसको लग रहा है कि यहाँ पे ड्रामा होगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, आप लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे, जगलिंग फेस से बहुत ज्यादा जगल कर रहा है ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टू एनर्जीज में ऑपरेट कर रहा है, ये आपको ये ऑफर दे या ना दे, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, ये नहीं चाहता ये बर्डन अपने ऊपर लेना, ठीक है, हेरोफेंट ये यहाँ पर इस कनेक्शन का पूरा चार्ट संभालना चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन तो लेना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपसे काफी ज्यादा डर रहा है, थोड़ा खौफ ज्यादा इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है अपनी पावर में, बहुत ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, जाने तो नहीं देना चाहता ये पर्सन आपको, एक ऑब्सेसिव एनर्जी आपके साथ इस पर्सन को, जैसे एक ऑब्सेशन सा है, एक आपकी आपके होने की एक आदत सी है, ठीक है, क्लियर है ये पर्सन आपके साथ क्यों बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आपको कुछ देना है तो कैसे देना है, एक्शन लेना है तो कैसे लेना है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल है ये पर्सन, इंडिपेंडेंट है, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, लेकिन ये पर्सन जैसे इसका अट्रैक्शन बेहद बढ़ रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा अपने अट्रैक्शन को लेकर, स्टार्टिंग में भी व्हील ऑफ फॉर्चून था, इधर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ होने वाली है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके ऐसा टाइम स्टार्ट होने वाला है जिसमें बेहद एक सक्सेसफुल एनर्जी होगी, एक देखिए रिकंसाइलेशन होगी, 10 ऑफ कप्स के 3 ऑफ कप्स के साथ एक एक न्यू बिगनिंग होगी, लवर ये पर्सन आपको अपने लवर की तरह दिख रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे आपके कनेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, फिलहाल आप लोग के बीच एक साइलेंट चल रहा है, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप जस्टिस मांग रहे हैं और ये पर्सन साइलेंट है, ठीक है, आप कनेक्शन में चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले और ये पर्सन साइलेंट है, आप क्लियर हैं, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, आपके पास मुझे लव नजर नहीं आ रहा, बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं नजर आ रही, आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको सच्चाई पता चले, आप इस कनेक्शन को एंड करने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है, आप इस पर्सन से ये नहीं कहेंगे कि इस कनेक्शन को बनाए रखो, इसमें एफर्ट डालो, ये आपके विश है, लेकिन आप सेल्फ फोकस हो चुके हैं, ठीक है, जैसे ये पर्सन एक सेल्फिश एनर्जी में बिहेव करता है ना, तो आप भी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब आपने अपनी विशेस बदल दी हैं, ये पर्सन पास में आपकी विश रहा है, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते थे, एक स्टेबल जैसे एक टीम वर्क करना चाहते थे, आप बहुत आपको लगता था एक विजडम, ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है आपका, ठीक है, आपको इस कनेक्शन के लिए बेहद विजडम था, जैसे आपका ख्वाब टूटे हैं, आपके सब टूटे हैं, आप उसके बाद बहुत एक स्ट्रांग नहीं हो जाता पर्सन, जिसके सारे ख्वाब टूट जाते हैं, उसके बाद जो वो स्ट्रांगनेस आती है तो वो बेहद ज़बरदस्त होती है, स्टॉकिंग चल रही है आपकी, स्टॉक करा जा रहा है, यहाँ पर ये पर्सन अकेला है, आप भी अकेले हैं अपनी जगह, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप लोग अपनी नॉलेज से काम लें, इस टावर मूवमेंट के बाद आप लोग के बीच चीज़ें बेहद बिखर चुकी हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर चाह रहे हैं एक डिवाइन मिरेकल, ठीक है, आप दोनों की तरफ से एक एनर्जी है, आप लोग यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन चाह रहे हैं और डिवाइन मिरेकल चाह रहे हैं, ये पर्सन चाहता है आप इमोशनल वे में दोबारा कनेक्ट हो, आप इमोशनल हो जाए इस पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप ब्लॉक मत रहे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, आप क्लियर कट नहीं होता, एक ब्लॉकिंग एनर्जी में है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर ना इस पर्सन को लेकर, ये पर्सन ये चीज देख पा रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ड्यूअल माइंडेड है, आप क्लियर कट नहीं है, ये पर्सन वो एनर्जी मिरर कर रहा है, ठीक है, ये आप अगर क्लियर हो जाएंगे ना एक साइड हो जाएंगे, आपको नहीं चाहिए ये पर्सन, आप ये जिस दिन डिसाइड कर लेंगे, ये पर्सन भी डिसाइड कर लेगा इसको क्या करना है,
आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा, आप लोग मिररिंग एनर्जी में, ना आप आगे बढ़ पा रहे ना ये पर्सन आगे बढ़ पा रहा। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है। आप लोग के बीच जो है ना, बस इस पर्सन का, इसने कभी भी आपके जैसा पर्सन अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे इंसान को ये चाहेगा, आप जैसे इंसान के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, या आपके साथ इस पर्सन को इतना इन डेप्थ लव हो जाएगा, या आप लोग के साथ इतना डीप बाउंड आप लोग शेयर करेंगे एक साथ। ठीक है, आपके लिए एडवाइस एडवेंचर, आपकी लाइफ में कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, आप प्रिपेयर हो जाए उस एडवेंचर के लिए। ठीक है, कनेक्शन, ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे दो दफ़ा वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, कुछ कुछ मेन सर्कल आपकी लाइफ का एंड हुआ, इसके बाद अगर ये बैड फेस रहा है, बहुत नेगेटिव फेस रहा है, टॉक्सिक फेस रहा है, कुछ खुशियों भरा फेस स्टार्ट होगा, ये पर्सन नहीं तो कोई और पर्सन, लेकिन आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, रिचनेस, आपकी लाइफ में जो रिचनेस खत्म हो चुकी थी ना, एक खूबसूरती खत्म हो चुकी थी, वो खूबसूरती आ रही है। ठीक है, लाइफ, आपने कभी भी लाइफ को एक पीसफुल सिचुएशन से नहीं देखा। ब्रीद, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करें, ब्रीद लें। ठीक है, एक लंबी लंबी नहीं होती, एक आप अपनी मतलब कि अपने आप को रिलीज कर दें सारी नेगेटिविटीज, कनेक्शन की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी फैमिली की, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी है उन सब चीज़ों की, मेडिटेट करें। आपके अंदर यहाँ पर एक जो स्पार्क था ना, वो ख़त्म हो गया। प्रॉब्लम फेस कर करके आपने अपने अंदर का स्पार्क खत्म कर दिया, पैशन खत्म कर दिया, इंजॉयमेंट खत्म कर दी, जो आप इंजॉय कर लिया करते थे। यूनिवर्स कह रहा है अपनी लाइफ में आप एक म्यूजिक जॉय, एक जॉयफुल एनर्जी में आ जाए। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कितनी एक जॉयफुल एनर्जी होती है। आप लोगों का म्यूजिक से कोई टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बिल्डिंग्स, आपको अभी यहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा मत सोचें, ये बिल्डिंग्स सारी ज़िंदगी रहेंगी, ये रुकावटें आपके कनेक्शन में सारी ज़िंदगी रहेंगी। एक्सपेंशन, यूनिवर्स कह रहा है इस कनेक्शन में कुछ एक्सपेंड होने वाला है, एक्सपेंशन आने वाला है। यहाँ पे है कम्प्लीशन, आपके रिलेशनशिप में एक कम्प्लीशन आने वाला है, जो पजल्स मिसिंग है, जो पजल मिसिंग है, आपको वो पजल मिलने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, प्रोटेक्शन, आपको इस पर्सन से प्रोटेक्शन मिल सकती है या किसी और से मिल सकती है, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपने जो फेस देखा, अब वो फेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपने जिस तरीके की अपनी लाइफ को, जितनी नेगेटिविटी देखनी थी, जितना आपने हार्ट ब्रोकन होना था अपने इमोशनल साइड से, अपने कनेक्शनों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने अपने लवर, अपने पर्सन को लेकर, जितना आपने हर्ट होना था वो आप हो लिए। कुछ लर्न करा है, उसको रिपीट मत करें। ठीक है, कुछ सीखा है, उसको आप अपनी सीख को लेकर आगे चलें। कोई आपका लाइफ पाथ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, अभी भी कोई ना कोई इस सिचुएशन में, इस पर्सन में डिफॉल्ट है, अगर ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है तो ये पर्सन यूनिवर्स चाह रहा है आपको क्लियर कट करके, हमेशा आपको इस पर्सन से डिवाइन ने सेफ किया है। कभी भी, जब भी ये गया है आपकी लाइफ से, आपको सेव किया गया, जब भी रिजेक्शन दी है इस पर्सन ने आपको, तो आपको सेव किया गया डिवाइन के थ्रू। ठीक है, रिजेक्शन हमें सेव करती है, रिजेक्शन हमें ये नहीं दिखाती कि यार आप, आपकी वैल्यू क्या है, आप उसके पीछे गए क्यों थे। देखिए, जो चीज़ ज़िंदगी में होनी होती है वो तो होती ही है, लेकिन रिजेक्शन क्या करती है, ये यूनिवर्स हमें सेव करता है चीज़ों से। सिर्फ रिजेक्ट नहीं करता, हम सेव होते हैं अपनी प्रॉब्लम से, जो हम कंडीशंस, जो हमें बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखने से, डिवाइन क्या करता है, आपको बचा लेता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा और ख़राब सिचुएशन होती है, तभी आपको उस तरीके से साइड किया जाता है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, लेकिन सर्कल को अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक अकाउंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक लेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।